वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू पालक की चटपटी व टेस्टी सब्जी, या इसे भुजिया भी कह सकते हो। तो आपने इससे पहले पालक और पनीर की सब्जी तो बहुत खाई होगी, बट आज मैं आलू पालक की रेसिपी आपको शेयर करूंगी। तो चलिए बनाते हैं। इधर देखिए, एक ऑनियन को मैंने रफली चॉप करके ले ली हूँ, एंड 6-7 लहसुन की कली को रफली चॉप कर ली हूँ, एंड एक चिली को भी अच्छे तरीके से कट कर ली हूँ। इधर चढ़ा रही हूँ कढ़ाई, कढ़ाई में डाली हूँ मस्टर्ड ऑयल 2 टेबल स्पून के करीब, और इसमें ऐड कर रही हूँ चिली। इसी साथ इसमें ऐड करूंगी लहसुन जिसको मैंने रफली चॉप करके ली हूँ। अब इसे इस दोनों को हल्का लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड कर दूंगी रफली चॉप किया हुआ ऑनियन, इसे भी 2 से 4 बार अच्छे तरीके से चला के भून लेंगे। हल्का ये भून गया है। अब इसमें ऐड कर दूंगी आलू जिसको मैंने अच्छे तरीके से धुल के कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में ली हूँ। 2 से 4 बार चला लूंगी। इसमें ऐड कर दूंगी कुछ सूखे मसाले। इसमें ज्यादा मसाले की जरूरत नहीं है, बस मैं हल्दी और नमक ही यूज करूंगी। तो इसमें 1 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, एंड 1/2 टेबल स्पून करीब नमक। आप अपने अनुसार कम या अधिक नमक कर सकते हो, जिससे कि हमारा नमक मैं इसलिए पहले डाल दूं जिससे कि हमारा आलू अच्छे तरीके से पक जाए, आलू को पकने में ज्यादा टाइम न लगे। तो इधर अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें पालक जिसको मैंने अच्छे तरीके से धुल के कट करके ले ली थी पहले से ही। अब इसे अच्छे तरीके से चला लूंगी मिक्स करते हुए। कवर करके इसे मैं छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए, जिससे कि पालक अच्छे से गल जाए। तो देखिए 5 मिनट हो गया कंप्लीट, और हमारा पालक अच्छे तरीके से गल गया है, बट हमारा आलू अभी अच्छे तरीके से नहीं पका है, इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसे मैं एक बार फिर से कवर करके छोड़ दूंगी 2 मिनट के लिए। तो देखिए हमारे पालक से पानी निकल गया है और हमारा आलू अच्छे तरीके से पक चुका है। अब इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पकाऊंगी। अब इसे कवर नहीं करूंगी, ऐसे ही ओपन ही खोल के ही 2 से 4 बार अच्छे तरीके से चला के इसे फ्राई करूंगी, भूनूंगी जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा पालक आलू की सब्जी यानी कि भुजिया बनके हो गया रेडी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, देखिए आलू भी हमारा अच्छे तरीके से पक गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।